तो अभी जो हम रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं, जो ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो काफ़ी झुकाव है इसमें जो स्पष्ट दिखाई दे रहा, जो 9 डिग्री का इसमें झुकाव है, जो अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। और ये लगभग 500-700 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है कि किसने बनवाया था, ये अलग अलग जानकारी इसके बारे में जो है। तो अभी हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे आप देखें साइड से कितना इसका झुकाव है, आधे से ज़्यादा। अभी जो इस समय मतलब यहाँ पे जो गंगा जी में जल कम है तो ये सूखा है, नहीं तो वरना तो ये जो पानी में जो डूबा रहता है नीचे का हिस्सा, अभी शायद सूखा हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जल है नहीं। तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं, चारों तरफ से देखते हैं नज़ारा इसका। तो अभी जो हम नीचे आ चुके हैं और आप जो देख रहे हैं पीछे मंदिर ये, तो अभी हम इसके बारे में बता रहे थे, इसकी लगभग 82 फीट ऊँचाई है मंदिर की, जो अपने आप में काफ़ी है। और ये अंदर को ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड काफ़ी है, ऊपर की ऊँचाई जो कम है इसकी, और झुकाव भी आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। तो अगर वाराणसी आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आना चाहिए, आना क्या चाहिए, ये तो सारा जो इधर से लेकर टोटल जो गंगा जी का आसपास का इलाका है सब एकदम शानदार है। इसमें हो सके तो कुछ जो बोटिंग का आनंद भी लें, हो सके हम जो कोशिश करेंगे कि हम भी बोट में बैठें। और आगे भी कुछ मंदिर है इधर, और जो आगे तक का सारा आगे हरिश्चंद्र घाट है उधर भी चलेंगे, मतलब टोटल यहाँ के जो जितने घाट वगैरह सब पे चलेंगे। तो जैसे लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अपने देश में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है, यानी कि विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग जो बाहर भागते हैं। और एक चीज़ और थोड़ी सी यहाँ पर यार, जो साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है लेकिन आम आदमी का, यानी कि हमारी भी जो कोई जिम्मेवारी बनती है कि जो हम यहाँ बवाल कम फैलाएं, यानी कि जो कचरा कम डालें और यहाँ पर साफ़ सफाई रहे, जो गंगा जी के लिए जो अच्छा हो हमारे लिए बढ़िया है, उससे सुंदरता जो बनी रहती है। तो इधर का जो गंगा जी का नज़ारा भी, जो शाम का समय है, बहुत बढ़िया है, एक तरह से अपना अनूठा अनुभव है यहाँ का। जो यहाँ पर हाथ की नाव भी हैं जो, और इंजन से चलने वाली नाव की संख्या जो यहाँ पर ज़्यादा है। तो दोस्तों, रत्नेश्वर महादेव और भी आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर जानकारी दें, ताकि हमें जो प्रोत्साहन मिले और आगे की वीडियो आपको जो मिलती रहे, क्योंकि अभी हम जो यहाँ का जो टोटल वाराणसी का मतलब एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे स्थान हैं उनके बारे में जानकारी देंगे और खुद भी जो उनके दर्शन करेंगे और आपको भी कराएँगे वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बेल आइकन भी ऑन कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।